वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास है जनरल साइंस के लिए MCQs। तो ये आपके लिए जनरल साइंस का एक टेस्ट है जिसमें कि आपको अपनी प्रेपरेशन को चेक करना है। तो आपको इसमें 15 MCQs होंगे, तो आपको इन सभी के आंसर्स को एक बार ज़रूर देखना है कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं, और फिर इनके आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करना है, और अपने मार्क्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, पीवीसी इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पीवीसी इनमें से किसकी पॉलीमराइजेशन के साथ ऑब्टेन की जाती है। नेक्स्ट इज टू एलिमिनेट द ग्लेयर ऑफ हेडलाइट्स इन द मोटर कार। मोटर कार की हेडलाइट्स की ग्लेयर को रिमूव करने के लिए इनमें से क्या यूज होता है। नेक्स्ट वन इज द सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वो कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट वन इज स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील इनमें से किस किस की अलॉय होती है। इनके सबके आंसर्स आपको जरूर हमारे साथ शेयर करने हैं साथ में। इसके बाद है नेक्स्ट द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो कि सबसे ज़्यादा हैवी है वो इनमें से कौन सा है। नेक्स्ट वन इज विल्टिंग ऑफ प्लांट्स। विल्टिंग ऑफ प्लांट्स अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव। प्लांट्स की विल्टिंग इनमें से किस चीज़ की एक्सेस के कारण होती है। इसके बाद है इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इंक्रीजिंग वेवलेंथ में इनका क्या ऑर्डर होगा वो आपको इनमें से चूज करना है। नेक्स्ट वन इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द पोलियो इज। पोलियो का ऑर्गेनिज्म इनमें से क्या होता है। नेक्स्ट वन इज द पैनक्रियास सीक्रेट्स। पैनक्रियास इनमें से कौन सी चीज को रिलीज करती हैं। नेक्स्ट वन इज द इनर्ट गैस विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द हाइड्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग इज। डीप सी डाइवर जो कि स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ और कौन सी गैस साथ में उनके ब्रीथ करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय। रूट का प्रेशर इनमें से किस चीज के साथ मेजर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ए सेल इंक्रीजेज इन वॉल्यूम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन। सेल की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है जब हम उसे इनमें से कौन सी चीज में रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। इनमें से कौन सी चीज है जो कैंसर को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। एंड द लास्ट वन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैनोट टेक प्लेस व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनमें से किस केस में नहीं हो सकती। तो इन सभी के आंसर्स आपको शेयर करने हैं, और अपने मार्क्स को भी साथ में जरूर शेयर करें। तो मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा, तो आपको देखना है कि आपके इनमें से कितने ठीक हुए हैं। इसमें चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट इज द
प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड मिक्सचर्स आर होमोजीनियस, ये हमेशा नहीं हो सकता बिकॉज मिक्सचर्स आर आल्सो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। इसलिए इसमें राइट ऑप्शन बनेगा कि मिक्सचर की प्रॉपर्टीज उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज के साथ मैच करती हैं। नेक्स्ट इज पीवीसी ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द विनाइल क्लोराइड, तो इसका आंसर मिलेगा आपको बी इज द राइट आंसर, विनाइल क्लोराइड। इसके बाद था टू एलिमिनेट द ग्लेयर ऑफ हेडलाइट्स इन द मोटर कार, उसमें क्या यूज़ करते हैं, पोलरॉइड्स, पोलरॉइड्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन था द सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है वो होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इसलिए उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं पास करती। स्टेनलेस स्टील इज अलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील अलॉय होता है, यह आयरन के बीच ऐड करते हैं क्रोमियम एंड द निकल, निकल क्रोमियम एंड आयरन मेक्स स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट इज द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज यूरेनियम, नेचुरली अकरिंग सबसे हैवी एलिमेंट यूरेनियम है, तो ये आपको याद रखना है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 92 एंड इसका मास नंबर होता है 235 से लेकर 238 तक इसके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। विल्टिंग ऑफ प्लांट्स अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, इसमें आपका आंसर होगा तो सबसे कम वेवलेंथ होती है इसमें एक्सरेज की, उसके बाद इसमें होती हैं विजिबल लाइट, उसके बाद होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, और उसके बाद होती हैं माइक्रोवेव्स, और उसके आगे होती हैं रेडियो वेव्स, उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो ये है वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द पोलियो इज़ ए वायरस, द पैनक्रियाट सीक्रेट्स इंसुलिन, इंसुलिन रिलीज करती हैं पैनक्रियास। द इनर्ट गैस विच इज़ यूज्ड बाय द डीप सी स्कूबा डाइवर्स, दैट इज़ द गैस हीलियम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक साइज स्मॉल होता है एंड उसकी सोलुबिलिटी भी वाटर में कम होती है, ब्लड में भी कम होती है, इसलिए। रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय द ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर। सेल इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक में, क्योंकि ऑस्मोसिस हो जाती है सेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर इज द केमोथेरेपी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैनोट टेक प्लेस व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू ग्लास, बिकॉज इसमें क्या कंडीशन होती है कि डेंसर टू रेयरर मीडियम जानी चाहिए लाइट, डेंसर टू रेयरर, तो वाटर क्या बन रहा है यहाँ पर, रेयरर टू डेंसर, इसलिए इसमें बिल्कुल नहीं हो सकती। सो ये थे हमारे टोटल 15 MCQs। तो ऐसी और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर रेगुलरली मिलती रहेंगी, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स साथ में ही मिलते रहें, और अपने आंसर को और अपने स्कोर्स को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।